प्रदेश के मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। जहां बीते रोज प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं ऊपरी क्षेत्रों में हुए हिमपात के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम का ये रुख 18 अक्टूबर तक यूं ही जारी रहेगा, तो वहीं 19 अक्टूबर से फिर से मौसम के साफ रहने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग शिमला द्वारा जताया गया है। जहां चटक धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है, लेकिन सुबह व शाम मौसम में ठंडक बरकरार रहने के आसार हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह लगभग बारिश हुई है और 5 ऐसे जिले हैं जहां पे स्नोफॉल हुआ है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर, इन जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और उससे जो है तापमान में काफ़ी कमी आ गई। डे टेम्परेचर ज़्यादातर एरियाज में 8 से 10 डिग्री के नीचे आ चुके हैं और ये पश्चिम विक्षोभ जो पिछले 48 घंटे से सक्रिय था, आज भी उसका असर रहेगा। हालांकि बारिश कम हो जाएगी, बर्फबारी भी कम हो जाएगी और 18 तारीख के बाद जो है मौसम में सुधार आएगा, ठीक हो जाएगा और उसके बाद जो है सुबह शाम टेम्परेचर कम रह सकते हैं, लेकिन मौसम ठीक हो जाएगा। लाइट टू मॉडरेट बर्फबारी जो है ऊपरी क्षेत्र जो है, जिसमें शिमला जिले में नारकंडा के आसपास, सिरमौर में चूड़धार, इसी तरह से चंबा में जोत और केलोंग, कल्पाइन इलाकों में जो है बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। रोहतांग पास के आसपास भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। देखिए, फसलों के लिए तो ठीक है, लेकिन तापमान कुछ कम है, सामान्य से काफ़ी कम। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट आ गई है करीब करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो उससे कुछ असर पड़ सकता है क्रॉप्स को, लेकिन ओवरऑल तो ठीक है, बारिश ठीक है फसलों के लिए, कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शिमला का और 13 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है, जिसमें काफ़ी कमी आ गई है और 0.7 जो है केलोंग का लोएस्ट टेम्परेचर है हिमाचल प्रदेश में। जैसे मैंने कहा, इस पश्चिम विक्षोभ का असर आज ही रहेगा, आज भी बल्कि कम होगा, अभी ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और कल से ठीक हो जाएगा। अगले फिर 4 से 5 दिन मौसम लगभग ठीक है, बारिश और बर्फबारी की संभावना।